हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद फारा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसान वीडियो है और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उनके लिए तो बेस्ट है ये। और ये सिर्फ टू वर्ड सेंटेंसेस है जो कि आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। इधर आओ, इधर यानी कि हियर, आओ यानी कि कम, कम हियर, इधर आओ, कम हियर, वेरी इजी सेंटेंस। दिस नेक्स्ट इज उधर जाओ, उधर बोलते हैं देयर को, जाओ यानी कि गो, उधर जाओ यानी कि गो देयर, उधर जाओ, गो देयर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज उछलो मत। बच्चे क्या करते हैं, बहुत उछलते कूदते हैं ना, तो मामा बोलती है कि नहीं उछलो मत, या फिर क्लास वगैरह में भी बच्चे उछल कूद करते हैं, तो उछलो मत, उछलो यानी कि जम्प, मत यानी कि डोंट, डोंट जम्प। लुक हियर, इधर देखो, इधर जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया, इधर यानी कि हियर, देखो यानी कि लुक। तो ब्लैक बोर्ड में जब मैम लिखती है तो बोलती है लुक हियर यानी कि इधर देखो। द नेक्स्ट इज पीछे मुड़ो, पीछे यानी कि बैक, मुड़ो यानी कि टर्न, तो टर्न बैक यानी कि पीछे मुड़ो। आगे बढ़ो, आगे यानी कि अहेड, बढ़ो यानी कि मूव, आगे बढ़ो, मूव अहेड, या फिर गो अहेड भी होता है। धीरे चलो, धीरे यानी कि स्लोली, चलो यानी कि वॉक, धीरे चलो, वॉक स्लोली। जब भी आपको ट्रांसलेशन नहीं आए तो आप पीछे से हिंदी के जो सेंटेंस है वो पीछे से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने एक वीडियो में बताया आपको ट्रिक ट्रांसलेशन की। चिल्लाओ नहीं, डोंट शाउट, चिल्लाओ यानी कि शाउट, नहीं यानी कि डोंट, डोंट शाउट। देखिए ये भी सेंटेंस है, इसको पीछे से मैंने ट्रांसलेट किया। चीखो नहीं, चीखना यानी कि चिल्लाना और चीखने में फ़र्क होता है। बच्चे जब चीखते हैं बदमाशी में तो चीखने को स्क्रीम कहते हैं। चीखो नहीं, डोंट स्क्रीम, चीखो यानी कि स्क्रीम, डोंट यानी कि नहीं चीखो। इसे खाओ, इसे यानी कि दिस, खाओ यानी कि ईट, ईट दिस, उसे खाओ, ईट डैट। ड्रिंक मिल्क यानी कि दूध पियो, दूध यानी कि मिल्क, पियो यानी कि ड्रिंक, ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक वाटर भी हो सकता है, ड्रिंक दिस इसे पियो, ड्रिंक डैट उसे पियो, मेनी सेंटेंसेस यू कैन मेक। द नेक्स्ट इज हिचकिचाओ नहीं, बच्चे शर्माते भी हिचकते भी हैं तो हिचकिचाओ नहीं, हिचकिचाना यानी कि हेसिटेशन बोलते हैं उसको, तो हेसिटेट, नहीं यानी कि डोंट, डोंट हेसिटेट। शर्माओ नहीं, शर्माते भी हैं बच्चे, शर्माना यानी कि शाय, नहीं यानी कि डोंट, डोंट शाय, शर्माओ नहीं। रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की इज्जत करो, दूसरों की यानी कि अदर्स, इज्जत करो यानी कि रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की इज्जत करो। चुप बैठो, चुप यानी कि क्वाइट, बैठो यानी कि सिट, सिट क्वाइट या फिर सिट क्वाइटली। टिक कर बैठो, टिक कर बैठना यानी कि बिना हिले डुले बिल्कुल बिल्कुल सीधे बैठे रहना, टिक कर यानी कि स्टिल, सिट यानी कि बैठो, टिक कर बैठो, सिट स्टिल, टिक कर बैठो, सिट स्टिल। हिलो नहीं, डोंट मूव, हिलो यानी कि मूव, नहीं यानी कि डोंट, डोंट मूव, इंग्लिश इज सो ईजी। दाएं मुड़ो, टर्न राइट, दाएं यानी कि राइट, मुड़ो यानी कि टर्न, टर्न राइट, दाएं मुड़ो। बाएं मुड़ो, टर्न यानी कि मुड़ना, लेफ्ट यानी कि बाएं, बाएं मुड़ो, बाएं लेफ्ट को बोलते हैं, और मुड़ो यानी कि टर्न। द नेक्स्ट इज सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहना यानी कि खड़े, सीधे खड़े रहो, सीधे बिल्कुल, तो स्टिल होगा, और खड़े रहो, स्टैंड, स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो। बक बक बंद करो या फिर बक बक मत करो, स्टॉप यैपिंग, यैपिंग ना जो बच्चे चिट चैट करते रहते हैं तो उनको, स्टॉप यैपिंग। हंसते रहो, कीप स्माइलिंग, हंसते यानी कि स्माइलिंग, रहो यानी कि कीप, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, कीप स्माइलिंग। इसे पढ़ो, इसे यानी कि दिस, रीड यानी कि पढ़ो,
रीड दिस, उसे पढ़ो, रीड दैट, रीड हियर यहाँ पढ़ो, उसे लिखो, राइट दैट, उसे यानी कि दैट, लिखो यानी कि राइट, राइट दैट, उसे लिखो, दोबारा सोचो, थिंक ट्वाइस, दोबारा यानी कि ट्वाइस, सोचो यानी कि थिंक, थिंक ट्वाइस। द नेक्स्ट इज यहाँ रुको, यहाँ यानी कि हियर, रुको यानी कि स्टॉप, स्टॉप हियर, यहाँ रुको। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, धीरे बात करो, स्पीक स्लोली, धीरे स्लोली बात करो, स्पीक स्लोली, धीरे बात करो, धीरे चलो, वॉक स्लोली, धीरे खाओ, ईट स्लोली, लाइक दिस यू कैन मेक। द नेक्स्ट इज आशीर्वाद हमेशा बना रहे, दिस इज लिल टफ बट यू नो ओनली टू वर्ड सेंटेंसेस, स्टे ब्लेस्ड, स्टे यानी कि बना रहे, ब्लेस्ड यानी कि आशीर्वाद, हमेशा आशीर्वाद रहे। तो गाइज ये था आज का वीडियो, कैसा लगे आप प्लीज़ बताइएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम निकाल के, मुश्किल से निकाल